गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, थोड़ा सा ही बताया था इसके बारे में। मैंने आपसे कहा था कि बेटा देखो, टैक्स जो है वो एक तरह की कंपलसरी पेमेंट है। क्या है कंपलसरी पेमेंट? और ये कंपलसरी पेमेंट किसको की जाती है? गवर्नमेंट को की जाती है। अच्छा, टैक्स का बर्डन गवर्नमेंट हर किसी पे नहीं डालती, लेकिन जिसके ऊपर ये टैक्स का बर्डन जाता है उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाता है। ये कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आप गवर्नमेंट को वॉलेंट्रीली अपनी मनमर्जी से जिसने दे दिया दे दिया, जिसने नहीं दिया नहीं दिया। जिस पर्सन के ऊपर, जिस भी पर्सन के ऊपर हमारी कंट्री में टैक्स का बर्डन आएगा, उसको गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट हर तरीके से, हर लिहाज से करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टैक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ टैक्स कहलाए जाते हैं डायरेक्ट टैक्स और कुछ टैक्स कहलाए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनको डायरेक्ट टैक्स कहने के पीछे रीजन ये है कि जिस भी पर्सन के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, यानी जिस भी पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन आता है, उस पर्सन को ये टैक्स गवर्नमेंट को जाकर खुद पे करना होता है डायरेक्टली। यानी ये पर्सन खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर देता है अगर इसके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन है और आपकी जो इनकम है एक लिमिट से ज्यादा चली गई, ऐसी लिमिट से ज्यादा चली गई जिस पर सरकार कहती है कि अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ऊपर चली जाती है और सरकार कहती है अब आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप खुद अपनी इनकम सरकार को बताते हैं और उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है वो भी सरकार को खुद ही बताते हैं और उस टैक्स को पे भी करते हैं। तो अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को डायरेक्टली खुद से टैक्स पे कर रहा है तो ऐसा टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल। लेकिन मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी कैसा है? मान लेते हैं आप मैकडी जाते हैं, मैकडी जाते हैं, मैकडी जाकर आपने एक बर्गर परचेज किया। अब वो जो मैकडी है इस बर्गर के ऊपर आपको एक बिल बनाकर देता है जिसमें एक तो बर्गर का प्राइस होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का बर्गर का प्राइस होगा। साथ में आपसे कहेगा सर आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, लेट सपोज 20 रुपए। तो आप उसको 120 रुपए दे देते हो। अब आप इस बर्गर को क्या कर रहे हो? कंज्यूम। और इस बर्गर को, 100 रुपए के बर्गर को कंज्यूम करने के लिए 20 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये जो 20 रुपए आप उस बंदे को दे रहे हो, क्या वो बंदा गवर्नमेंट है? वो पर्सन गवर्नमेंट नहीं है किसी भी हालत में। तो मैकडी ने आपसे टैक्स कलेक्ट किया, आप कंज्यूमर हो, टैक्स का बर्डन आपके ऊपर है और जीएसटी आपने मैकडी को पे किया। अब मैकडी अपना प्राइस अपने पास रखेगा, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मैकडी ने आपसे रिकवर किए हैं ये जाकर भारत सरकार को पे कर देगा। यानी कंज्यूमर की जेब से जीएसटी निकला लेकिन कंज्यूमर ने डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, बीच में एक इंटरमीडियरी ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस जीएसटी को कलेक्ट किया, बाद में गवर्नमेंट को उसे पे किया। तो इसका मतलब जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद पे नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जेब से तो कंज्यूमर के ही निकला है और सरकार की जेब में जाकर वो चला गया, लेकिन बीच में एक इंटरमीडियरी, एक मीडिएटर, एक बिचौलिए की जरूरत पड़ी और जब भी आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है लेकिन डायरेक्टली आप उस टैक्स को पे नहीं करते तो वो टैक्स कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था और जीएसटी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था। मुझे फिलहाल आपको जीएसटी पढ़ाना है, इनकम टैक्स नहीं पढ़ाना। तो मैं ये कहूंगा कि जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये वैसे मैंने आपसे ये बात डिस्कस की हुई है बट स्टिल मैं आपको रिवाइज करा दूं, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट।
अच्छा, टैक्स को अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो टैक्स को आप दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक कैटेगरी कहलाती है रिग्रेसिव टैक्स। सर अब ये टैक्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? देखो बच्चे ऐसा है, मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूं कि प्रोग्रेस इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में जाता है और जो आपका जीएसटी जो है वो रिग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में जाता है। अब ये दोनों इन कैटेगरी में क्यों जाते हैं? जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में गया था और यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में गया है, तो आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स भी है और एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। तो डायरेक्ट टैक्स कहने की एक वजह थी तो ऐसी प्रोग्रेसिव टैक्स कहने की भी एक वजह होगी। इसी तरीके से जीएसटी को आपने वहां इनडायरेक्ट टैक्स कहा और आप जीएसटी को एक रिग्रेसिव टैक्स भी कह सकते हैं, तो जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहने की भी एक वजह थी तो रिग्रेसिव टैक्स कहने की भी एक वजह होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। पहले मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको बात समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्या होता है हमारे देश में, मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो जीरो से लेके 2.5 लाख रुपए तक की है, तो सरकार कहती है इतनी इनकम के ऊपर हम आपसे 5% का टैक्स लेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है और 5 लाख से कम रहती है तो सरकार कहती है हम आपसे जीरो से 2.5 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है, निल। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे रहती है तो सरकार आपसे कोई टैक्स मांगेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को 2.5 लाख से बढ़ा देते हैं और आपकी इनकम बढ़ के 5 लाख तक पहुंच जाती है तो आपके लिए टैक्स का रेट हो जाता है 5%। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी आगे चली गई और 10 लाख तक पहुंच गई तो आपके ऊपर जो टैक्स का रेट हो जाता है वो हो जाता है 20%। आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। शुरुआत की 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स है, 5 से 10 लाख के ऊपर 20% का टैक्स है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी आगे चली जाती है तो फिर आपके लिए जो टैक्स रेट है वो है 30%। बेसिकली मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा कि मैं इनकम टैक्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव और जीएसटी को रिग्रेसिव क्यों कहा जाता है। देखिए आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जैसे किसी पर्सन की जितनी ज्यादा इनकम में प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस होती चली जा रही है वैसे ही टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी प्रोग्रेस करता है। और जिस जगह पर जिस टैक्स में ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है कि जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी प्रोग्रेस करेगा, तो ऐसे टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और ये खास बात इनकम टैक्स के अंदर है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स। अब बात आती है रिग्रेसिव टैक्स की। रिग्रेसिव टैक्स में इनकम और टैक्स रेट इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इनकम अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो भी आपको सेम रेट पर टैक्स देना है, और अगर इनकम आपकी बहुत लो है तो भी आपको इनकम टैक्स रेट सेम रेट देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैकडी का एग्जाम्पल दिया था। अब आप जब मैकडी में जाकर बर्गर परचेज करते हैं तो वो हर बंदे से जीएसटी 20 रुपए ही लेंगे। आप चाहे अमीर हैं, आपकी इनकम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो भी आपको उतना ही जीएसटी देना है। और अगर आप गरीब हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते लेकिन अगर आपको मैकडी से परचेज करना है तो आपको भी उतना ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो जीएसटी के जो टैक्स के रेट हैं वो आपकी इनकम से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी इनकम प्रोग्रेस करे या इनकम प्रोग्रेस नहीं करे सबको एक ही तरीके से टैक्स रेट पे करना होता है, और ऐसे ही टैक्स को कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और साथ ही में आप ये कह सकते हैं जीएसटी इज अ रिग्रेसिव टैक्स। ये दो बातें जीएसटी को लेकर हमें समझनी थी, ठीक है जी, कि जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एक तरीके का रिग्रेसिव टैक्स है। बताइए आपको ये बात क्लियर होती है? हाँ जी बच्चे। यस सर। जी सर। बाकी सब बताएं। यस सर। आगे बढ़ते। अब बात आती है अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। सर अगर मैं एक बिजनेस हूं और बिजनेस होने के नाते मेरा जो पाला है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पड़ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से अगर मेरा पाला पड़ गया तो मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखना चाहता हूं, मुझे प्लीज उसकी अकाउंटिंग सिखा दीजिए, क्योंकि मेरे बिजनेस का नाता गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पड़ गया है। अगर मैं कोई सामान बेचता हूं तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, और अगर कोई मैं सामान खरीदता हूं तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं आगे तो उससे जीएसटी लेना पड़ेगा, जैसे मैग्डी आपको सामान बेच रहा है तो उसे मैग्डी को जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मैग्डी किसी से सामान खरीदता है तो वो मैग्डी से जीएसटी कलेक्ट करता है तो मैग्डी को उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो परचेस के टाइम पर और सेल के टाइम पर दोनों टाइम पर मेरा पाला जीएसटी से पड़ने लग गया, तो मैं इसकी अकाउंटिंग सीखना चाहता हूं, मुझे पहले इसकी अकाउंटिंग सिखा दीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि अकाउंटिंग तो आप सीख जाएंगे, अकाउंटिंग सीखना मुश्किल बात नहीं, पहले हमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का पता होना जरूरी। देखो बेटा यहां पर है जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों है? देखो बेटा जब जीएसटी नहीं आया था इंडिया में 2017 वो साल है, जुलाई से 2017 से जीएसटी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट होने को है। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं था तो उससे पहले कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते? आप इस नाम के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि बेचने वाला आपको चाहे गुड्स बेचे, बेचने वाला आपको चाहे सर्विसेज बेचे, गुड्स बेचे या सर्विसेज बेचे दोनों की सप्लाई पर वो आपसे जीएसटी ही कलेक्ट करेगा। अगर वो गुड्स बेच रहा है तो भी जीएसटी ले रहा है, जैसे मैग्डी गुड्स दे रहे हैं तो भी जीएसटी ले रहा है। आप किसी से सर्विसेज लीजिए, समझ आई बात नहीं, आप किसी से क्या लीजिए, सर्विसेज लीजिए, जैसे बहुत से स्कूल को गया, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो आपको सर्विसेज देंगे इन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, वो भी आपसे जीएसटी लेंगे। तो गुड्स बेचने वाला भी सर्विस ले जीएसटी ले रहा है और सर्विसेज बेचने वाला भी अपनी जीएसटी ही कलेक्ट कर रहा है। दोनों ही तरीके के व्यापार जीएसटी कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। गुड्स के लिए अलग टैक्स हुआ करते थे, सर्विस के लिए अलग टैक्स हुआ करते। जब कोई आदमी गुड्स बेचा करता था तो उसके लिए अलग टैक्स होता था, और जब कोई शख्स सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था उसके लिए अलग टैक्स हुआ करता था। तो पहले मैं बात करता हूं गुड्स की। देखो बच्चे, गुड्स के साथ दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करना और गुड्स को सेल करना, है ना। गुड्स को पहले प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और फिर बाद में उसे सेल करना पड़ता है। तो हमारे देश की सरकार कहा करती थी कि ये जो गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है ना, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चर के लिए सरकार टैक्स लगाया करती थी एक्साइज ड्यूटी। क्या लगाया करती थी? एक्साइज ड्यूटी। अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सरकार कहती थी कि हम आप लोगों से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप गुड्स को सेल करने जाते थे तो सेल के ऊपर टैक्स लगता था सेल टैक्स। क्या लगता था? सेल टैक्स। यानी एक ही गुड पे दो पॉइंट ऑफ टाइम पर दो तरीके के टैक्स लगेंगे। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, गुड्स की सेल के ऊपर लगता था सेल टैक्स। और पता है आपको, सेल टैक्स भी दो कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, सेल टैक्स भी लगेगा, लेकिन जो सेल टैक्स दो तरीके के हैं उनमें से कोई एक ही सेल टैक्स लगेगा। एक होता था वैट और दूसरे को कहते थे सीएसटी। वैट और एक को कहते थे सीएसटी। वैट की फुल फॉर्म थी वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जरा समझिए। होता क्या है, आप दिल्ली के अंदर एक डीलर हैं। कौन है? दिल्ली के अंदर एक डीलर। अगर आप अपने सामान को दिल्ली में ही बेच देते हैं, यानी आपसे खरीदार जो है आपका दिल्ली के अंदर ही है,
तो आप जो इससे टैक्स कलेक्ट करेंगे सेल टैक्स, वो होगा वैट। क्या होगा? वैट। लेकिन अगर आप दिल्ली के डीलर हैं और किसी दूसरे स्टेट में बेच देते हैं, किसमें? किसी दूसरे स्टेट में बेच देते हैं, तो उससे जो आप कलेक्ट करते थे वो होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ आती है बात? ये नहीं, तो अब या तो सेल दिल्ली में होगी या दिल्ली से बाहर होगी, यानी आप जिस भी स्टेट में, या तो अपनी ही स्टेट में करेंगे या स्टेट से बाहर करेंगे, तो दोनों में से किसी एक तरीके का ही सेल टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, या तो वो वैट होगा या सीएसटी। लेकिन अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर भी किया है और बेचा भी है, तो मैन्युफैक्चर के लिए आपको एक्साइज ड्यूटी लेनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर करने की वजह से आपको कस्टमर से एक्साइज ड्यूटी लेनी पड़ेगी। समझ आती है बात या नहीं आती? और सेल करने की वजह से सेल टैक्स लेना पड़ेगा। अब वो चाहे वो वैट हो सकता है, चाहे वो सीएसटी हो सकता है। समझ आती है बात या नहीं आती? तो गुड्स के लिए ये दो तरीके के टैक्स हुआ करते हैं। लेकिन आप गुड्स बनाकर बेचने वाले शख्स नहीं है, आप कौन है? आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को प्रोड्यूस करके नहीं बेचता, सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने सर्विस जिसको रिसीव हो रही है उसको सर्विस देता था, और उसके बदले में उससे कलेक्ट करता था सर्विस टैक्स। क्या कलेक्ट करता था? सर्विस टैक्स। तो हमारे देश के अंदर एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग से कानून बनाए गए थे, सेल टैक्स के लिए जैसे वैट के लिए अलग कानून, सीएसटी के लिए अलग कानून, और फिर उसके बाद सर्विस टैक्स के लिए अलग कानून। तो इनके लिए डिफरेंट लॉज, डिफरेंट कलेक्शन का तरीका, डिफरेंट सरकारों को पेमेंट, जैसे एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वैट की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सीएसटी की भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सर्विस टैक्स की सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, डिफिकल्टीज थी, जिसके बेस पर यह सोचा गया, जो 2014 से प्रीवियस भी हमारी गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट जिसमें कांग्रेस का रूल था, उन्होंने ये सबसे पहले कहा कि भाई देश के अंदर ये जो डिफरेंट तरीके के टैक्सेस हैं, इनको हटाकर एक टैक्स लेकर आना चाहिए, जिसे कहते हैं जीएसटी। चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचिए, या सिर्फ खरीद के बेचिए, या सिर्फ आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए, एक ही तरीके का वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी लेकर आई गई, और वो थी जीएसटी की। समझ में आती है बात ये नहीं आती? अगर आज के टाइम पर आप गुड सप्लाई करते हैं या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो एक ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जिसका नाम है जीएसटी। बताइए, आप सबको क्लियर होती है बात या नहीं? यस सर। जी सर। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिजल्ट्स इनटू एंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां ले जा सकते हैं, सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ठीक है जी। ये तीन बातें आप जीएसटी के बारे में लिख सकते हैं। ये जीएसटी का बेसिक है, बेस है, जो मैंने आपको बताया। क्लियर होती है बात आप लोग? यस सर। लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, ये आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिनट। हो गया। अब जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी क्या है, उससे रिलेटेड हमने बात करी। अब जरा हम आपको जीएसटी के अंदर अब क्या मौजूद है उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखो बेटा,
अब चाहे आप गुड्स या सर्विस, कुछ भी चीज सप्लाई करेंगे, कुछ भी चीज सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई करने की वजह से जो आपके पास कलेक्ट होगा, एक तो होगा गुड्स एंड सर्विस का प्राइस, साथ में जीएसटी का टैक्स, ये दो चीजें आप कलेक्ट करेंगे। जो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है वो तो आप अपने पास रख लेंगे, और ये जो जीएसटी आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, इसे ले जाकर कस्टमर को, सॉरी कस्टमर जरूर, इसे ले जाकर आप किसे पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। बताइए जी, आपको मेरी बात समझ में आती है? यस सर। है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, जीएसटी आने या ना आने, मतलब जीएसटी आपके गुड्स पे टैक्स लगने से या न लगने से, बिजनेसमैन पर कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी, क्या बिजनेसमैन की जेब से कुछ जाता है? नहीं सर, बिजनेसमैन की जेब से कुछ भी नहीं जाता। बिजनेसमैन क्या करता है भाई, देखिए वो आपको अपना आपका सामान बेचता है, सामान बेचकर आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है, अपने पैसे वो अपने पास रखता है, जो उसने आपसे कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है ना, उसे अपनी जेब से तो कुछ पे नहीं करना, बताइए हाँ या ना? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं है, टैक्स का बर्डन उस पर्सन के ऊपर थोड़ी है जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो तो आपसे कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है, उसके ऊपर तो बस एक सिरदर्दी है कि अगर उसे बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़े, हालांकि जेब से उसकी कुछ नहीं जा रहा, उसे तो आप लोगों को सामान बेचना है, आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, सरकार को पे करना है, बस उसके ऊपर एक सिरदर्दी है कि उसको टैक्स कलेक्ट करना है उसके लिए जरूरी बन जाता है और सरकार को पे करना जरूरी बन जाता है। बताइए हाँ या ना, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ बच्चे, बात क्लियर होती है नहीं होती? टीचर अब देखिए, सुनिए बात, अब मोटी मोटी बात करते हैं। आप रहते हैं दिल्ली में, क्या रहते हैं? दिल्ली में। और आपने जो सप्लाई की है वो किसी दिल्ली के बंदे को ही सप्लाई की है, तो जो जीएसटी आप इस बंदे से कलेक्ट करेंगे उसे कहा जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए आपने जो इस बंदे को सप्लाई की है उसके ऊपर जो जीएसटी का टैक्स रेट आपको कलेक्ट करना है, लेट सपोज वो 18% कलेक्ट करना है, ठीक है ना भाई? देखिए जीएसटी के भी अलग अलग रेट्स होते हैं, कहीं पर रेट 0% भी होता है, कहीं पर रेट 5% भी होता है, कहीं पर रेट 12% भी होता है, कहीं पर रेट 18% भी होता है, कहीं पर रेट 28% भी होता है, तो ये सारे डिफरेंट रेट्स हैं जीएसटी के। सर के हमें ये रेट्स याद करने हैं, आपको क्यों याद करने भाई? भाई हर रेट जो है वो अलग अलग सिनेरियो का रेट है, जिस तरीके का गुड इस तरीके का टैक्स रेट। अब इंडिया के अंदर ना जाने हजारों लाखों तरीके के गुड्स हैं और सरकार ने हर किसी के लिए रेट दे रखा है, आपको कोई रेट का रट्टा थोड़ी लगाना है। मान लीजिए इन फ्यूचर जाकर आपको कोई बिजनेस करना है तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका टैक्स रेट आप पता कीजिएगा, बाकी सब बाढ़ में जाए। आप कपड़े का काम करेंगे 5% टैक्स रेट ले लीजिए, रेस्टोरेंट काम करेंगे 5% टैक्स रेट ले लीजिए, आप सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे 18% का टैक्स रेट ले लीजिए। ये कोई याद करना जरूरी थोड़ी, बस मुझे पता होना चाहिए कि जो जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा वो अपनी मर्जी से किसी भी रेट पे नहीं कलेक्ट कर लूंगा, जितना रेट कलेक्ट करने के लिए सरकार मुझसे कह रही है उतना ही रेट मैं कलेक्ट करूंगा। और मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको जो रेट दिया है वो 18% है, कि अगर एक दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही किसी को सप्लाई कर रहा है और सप्लाई के साथ साथ जीएसटी कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, तो अगर आप दिल्ली के होकर दिल्ली में ही सप्लाई करते हैं तो जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे उसे कहा जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब 18% का रेट है ना, तो इसमें से 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। ये टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हो जाएगा और ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था
कि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हुआ करती थी, सेल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाया करता था। अब टैक्स एक ही हो गया है जीएसटी। तो अगर आप किसी सप्लाई को दिल्ली से दिल्ली के अंदर कर रहे हैं तो आपको जो टैक्स कलेक्ट करना होगा वो होगा सीजीएसटी और होगा एसजीएसटी। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आप 9% यानी आधा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे और आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को। बात समझ में आती है नहीं आती? तो अगर कोई भी सप्लाई विद इन दी स्टेट होती है, क्या होती है, कोई भी सप्लाई विद इन दी स्टेट होती है, विद इन दी स्टेट यानी जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट के अंदर हो जाती है, तो उस सप्लाई पर कलेक्ट होने वाला जो जीएसटी होगा वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताइए जी, बात क्लियर होती है आपको मेरी? हाँ जी सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी टैक्स रेट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाएं, मैकडी जाएं, डोमिनोज जाएं, कहीं पर भी अगर आप टैक्स पे कर कराएंगे, एक बार इनवॉइस देखिएगा। इनवॉइस में आपको दिखेगा कि आपने आधा जितना भी, मतलब जैसे 5% आप पे कर रहे हैं तो 2.5% सीजीएसटी के जा रहे होंगे, 2.5% एसजीएसटी के जा रहे होंगे। वो बंदा आपसे 2.5% सीजीएसटी कलेक्ट कर रहा होगा, 2.5% एसजीएसटी कलेक्ट कर रहा होगा। वट एवर रेट इट इज, कोई भी रेट हो सकता है, जो भी रेट है आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आधा टैक्स उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होना है और आधा टैक्स उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को पे होना है। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चे। नो सर। लेकिन सर मान लीजिए जो सप्लायर है वो दिल्ली का है और जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट का है। किसका है? महाराष्ट्र स्टेट का है। और इसको भी इससे जीएसटी कलेक्ट करना है, तो इस बार जो वो जीएसटी कलेक्ट कराएगा, ये दिल्ली का जो बंदा इससे जीएसटी कलेक्ट करेगा, उस जीएसटी को कहेंगे आईजीएसटी। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इसमें से स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मामला चला गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि पूरा टैक्स आप हमें कलेक्ट करके दीजिए। सर ऐसा क्यों कहा जाता है? अब मुझे एक बात बताइए, दो स्टेट हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब दिल्ली के सप्लायर ने महाराष्ट्र के बंदे को सेल करी, सप्लाई करी, और सप्लाई के बाद उस सप्लाई के ऊपर लगा जीएसटी। अब दिल्ली सरकार कहेगी ये जीएसटी हमारे खाते में आना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार कहेगी ये जीएसटी हमारे खाते में आना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाड़ में जाओ, पूरा जीएसटी हमारी जेब में जाएगा, जो हमें बंटवारा करना होगा हम कर देंगे, कुछ हिस्सा हम रखेंगे, थोड़ा बहुत तुम दोनों को भी बांट देंगे, लेकिन कितना बांटेंगे वो हम पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब जो बंदे ने जिसने सप्लाई करी है वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा? हमको देगा, इकट्ठा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसमें ना कोई सीजीएसटी है ना कोई एसजीएसटी है, पूरा का पूरा वो क्या कहलाया जाता है? आईजीएसटी कहलाया जाता है। तो मोटी मोटी बात ये हो गई कि अगर आप सेल को विद इन द स्टेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विद इन द स्टेट कर रहे हैं, तो उस सप्लाई पर जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर कोई सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, यानी बिटवीन टू स्टेट्स, तो ऐसी सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो होगा आईजीएसटी। अब मान लेते हैं जीएसटी का रेट 18% है, तो 18% क्या कलेक्ट किया जाएगा? आईजीएसटी ही कलेक्ट किया जाएगा। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। यस सर। सबको मेरी बात समझ में आती है? यस सर। चलिए अब बेटा मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने ये वाली बात सुन ली तो आगे शुरू होगी अकाउंटिंग, एक्चुअल में अकाउंटिंग शुरू होगी। जब आप अकाउंटिंग शुरू कर लेंगे तो अकाउंटिंग आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी। चलिए एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बिजनेसमैन को गुड्स परचेज करते वक्त, परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस, कोई भी चीज अगर वो बिजनेसमैन परचेज कर रहा है तो उस वक्त उसे जीएसटी पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है।
क्योंकि भाई वो किसी और से सामान खरीद रहा है, तो जो बंदा उसे सामान बेचेगा तो बेचने वाला टैक्स कलेक्ट करता है ना, और मैं एज अ बिजनेसमैन इस वक्त सामान परचेज कर रहा हूं, तो परचेज करते वक्त मुझे उस सामान बेचने वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसी सामान को सेल करता हूं जो मैंने पीछे से खरीदा है, अगर मैं उस गुड या सर्विस को आगे सेल करता हूं तो अब मैं सप्लाई करने वाला हूं, और अगर मैं सप्लायर हूं तो अब मैं कस्टमर से क्या करूंगा, जीएसटी कलेक्ट करूंगा। बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ जी जी सर, आता है। बात समझ आती है नहीं आती? तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी आप जीएसटी पे करते हैं, जब भी आप जीएसटी पे करते हैं तो उसे कहा जाता है इनपुट जीएसटी। क्या कहा जाता है? इनपुट जीएसटी। क्योंकि जो आप सामान परचेज कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इनपुट की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? इनपुट की तरह। तो अगर आप उस इनपुट के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो इन कहलाएगा आपका इनपुट जीएसटी। अब वो इनपुट जीएसटी कुछ भी हो सकता है। अगर आपने सामान जो है अपनी ही स्टेट से खरीदा है, यानी जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में खरीदा है, तो उसके ऊपर जो इनपुट जीएसटी पे हुआ होगा उसे आप कहेंगे इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अगर आपने उस इनपुट जीएसटी, यानी आपने वो जो सामान परचेज किया है किसी दूसरी स्टेट से परचेज किया है, तो उस सामने वाले बंदे ने आपसे क्या कलेक्ट किया होगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा, तो आप उसे कहेंगे इनपुट आईजीएसटी। बताइए, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? जी सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर आप विद इन द स्टेट परचेज करते हैं तो वो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो वो इनपुट आईजीएसटी बन जाता है। अब देखिए, अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट क्यों कर रहे हैं भाई हम जीएसटी? क्योंकि इस बार हम सामान बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो जीएसटी कहलाता है आउटपुट जीएसटी। क्या कहलाता है? आउटपुट जीएसटी। क्योंकि जो सामान आपने बेचा है वो बिजनेस से बाहर गया है, वो आपका आउटपुट है जो आपने प्रोड्यूस किया था, और उस आउटपुट जीएसटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उस आउटपुट जीएसटी को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने वो सामान विद इन द स्टेट बेच दिया, कहां बेच दिया? विद इन द स्टेट, तो वो कहलाएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आपने वो सामान किसी दूसरे स्टेट में बेच दिया तो वो कहलाएगा आउटपुट आईजीएसटी। आपको मैं बताऊं, एज अ अकाउंट टीचर मुझे आपको सिर्फ इसकी अकाउंटिंग सिखानी चाहिए थी, ये सारी बातें आपके इकोनॉमिक्स में सीखने की, समझे? पर मुझे मालूम है बेटा, ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में जीएसटी की नॉलेज जो मतलब नहीं है इतनी, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर, जिन्होंने देखा है इस चीज को, हमारा तो काम ही इसी के ऊपर है, हम तो करते यही काम है, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, ये सारी चीजें। तो मैं मानता हूं कि हाँ जी, ये बातें लोगों को पता ना होना लाजमी, इसीलिए अकाउंटिंग सिखाने से पहले मुझे जीएसटी की ये सारी बातें सिखानी पड़ती। होप सो आपको मेरी ये सारी बात समझ में आएगी, क्योंकि नेक्स्ट उसके अंदर मैं आप लोगों को अकाउंटिंग सिखाऊंगा। बताइए, सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू।